भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मेहतारी ब्यूटी सोप। जहां एक ओर लोग वैश्विक महामारी कोरोना से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर जून की चिर मिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार अपना मिजाज बदलता आ रहा है, जिसके चलते ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने के साथ साथ जमाझम बारिश हो रही है। तो इसके साथ ही बिलासपुर, हमीरपुर व ऊना जैसे निचले पहाड़ी इलाकों में भी तेज हवाएं व बरसात का दौर जारी है। वहीं बात करें बिलासपुर जिले की, तो बीते कुछ दिनों से यहां तूफान व बारिश देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर अब आम की पैदावार पर पड़ने लगा है। जी हां, बिलासपुर जिला में 8000 हेक्टेयर जमीन पर फलों की पैदावार होती है, जिसमें सबसे अधिक 4000 हेक्टेयर जमीन पर आम तो अन्य 4000 हेक्टेयर जमीन पर लीची, अमरूद, नींबू व संतरे की पैदावार की जाती है। वहीं इस बार आम के पेड़ों पर अच्छा फूल पड़ने के चलते आम की ज्यादा पैदावार होने की उम्मीद उत्पादकों को है, मगर जिला में रुक रुक कर हो रही बारिश व तेज आंधी का सीधा असर आम की पैदावार पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अभी तक 200 हेक्टेयर तक आम की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि लीची व अमरूद जैसे अन्य फलों की पैदावार पर भी इसका कुछ असर पड़ा है। गौरतलब है कि जून के महीने में मानसून की दस्तक के साथ ही तेज आंधी, तूफान व बरसात का खास असर आम की फसल पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि बीते साल की आंधी तूफान से आम की काफी फसल बर्बाद हुई थी, जिससे आम उत्पादकों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं उद्यान विभाग बिलासपुर की उप निदेशक डॉक्टर माला शर्मा का कहना है कि बिलासपुर में मौसम के बदलते मिजाज ने जहां गर्मी से राहत दी है, मगर तेज तूफान व आंधी से आम की फसल बर्बाद हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आंधी तूफान के चलते अगर आम उत्पादकों की ज्यादा फसल बर्बाद होती है, तो निदेशालय की ओर से उन्हें राहत देने के लिए जारी किए गए फंड से आर्थिक मदद करने का भी काम किया जाएगा। जैसे बिलासपुर क्षेत्र में हमारे लगभग 8000 हेक्टेयर में ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो इसमें से मैंगो के अंतर्गत लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है और बाकी जो बचा वो दूसरे फलों के, लीची हो गया, सिट्रस हो गया, उसके अंडर आता है। तो जैसे आजकल जैसे सूखा पड़ता है या फिर ज़्यादा बारिशें हो या हेल का प्रकोप हो, तो उसमें हम समय समय पर मतलब बगीचों के असेसमेंट करवाते हैं कि लॉस कितना हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे अभी हमने लेटेस्ट हमारी मई के शुरुआती फर्स्ट वीक में जो असेसमेंट करवाई थी, तो उसके हिसाब से हमारा मैंगो में लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। अगर उसको फाइनेंशियल उसमें लें तो लगभग कोई 13 लाख के करीब का लॉस था हमारा। अभी जो अभी भी अगर जैसे कहीं से रिपोर्ट ज़्यादा हो तो हम लॉस करवाते हैं, हमें जो अधिकारी हैं हमारे फील्ड में उनके थ्रू करवाते हैं, फिर हम फर्दर हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करते हैं, जैसे निदेशालय में भी या डीसी साहब को जो भी रिपोर्ट करते हैं कंसर्न उसको। तो अभी जैसे अब जो अभी जून ड्रॉपिंग का जैसे होगा तो लॉस होगा उसमें, तो उसके बाद हमारी फाइनल बनेगी कि जून ड्रॉपिंग के बाद हम फाइनल बनाएंगे कितनी का आइडिया अनुमान कितनी प्रोडक्शन होगी। और जैसे किसानों के लिए जैसे आजकल अभी हो रहा है, तो जैसे कोई अगर कोई कीट या कोई कीड़े वगैरह जैसे मैंगो हॉपर है या कोई फ्लाई का हो, तो उसके लिए मैंगो हॉपर के लिए जैसे वो इमिडा क्लोपिडिक दवाई है उसका स्प्रे कर सकते हैं। फिर अभी हमारा जुलाई अगस्त आ रहा है, तो इस महीने में फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, तो वो जैसे एग लेइंग करेगी तो अंडे देगी तो फ्रूट फ्लाइज निकलेंगी, तो वो आसपास के बगीचे में ही फैलता है। तो जैसे किसी एक बगीचे में हो तो उसको रोकथाम हमें करनी पड़ता है, फिर दूसरे बगीचे में ना फैले, तो सबको मिलकर करनी पड़ती है कम्युनिटी उस पर, कि अगर एक के बगीचे में कंट्रोल कर लिया, स्प्रे कर दिया और दूसरे नहीं किया, तो वो फ्लाई उड़ के तो वहाँ चली जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कम्युनिटी लेवल पे हमें करना पड़ता है कि सब लोग, सब आसपास के बगीचे वाले करें। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई के लिए जैसे हम रिकमेंड करते हैं एक बेट स्प्रे, जो हम जैसे पौधों में किसी चीज़ों में डाल के वो गुड़ और मेलाथियोन का
मिक्सचर बना के, ताकि वो खाने के लिए मक्खी उसमें आएगी मीठे की वजह से, तो वो मरेगी, मतलब मर जाएगी, तो वो एगलिंग नहीं हो पाएगी। तो एक ये तरीका है कि इससे हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। बाकी अगर फ्रूट फ्लाई के लिए यही है, बाकी अगर आप इसमें पौधों के लिए थोड़ा पानी की, मतलब जैसे सूखा है तो पानी की व्यवस्था तो थोड़ी ज़रूरी है, ओवर वाटरिंग है तो पानी सही निकासी होनी चाहिए पानी की खेतों में, ताकि इकट्ठा ना हो पौधों के वहाँ पानी, तो उससे तो उनकी जड़ें सड़ जाएंगी, प्रॉब्लम होंगी। थोड़ा सा किसानों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।